ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे। आज समय है, कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। प्रवेश वर्मा जी, भाजपा के नेता और योगी जी की पुलिस जो अभी रेप कर रही वो आपको दिख नहीं रहा, मगर शाहीन बाग वाले आने वाले कल में रेप करेंगे, ये आपको पहले से ही दिख जाता है। यह दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश में बीजेपी शासन की सच्चाई बयां करती हैं। एक तस्वीर में विलाप है उस परिवार का जिसकी बेटी के साथ गैंगरेप किया गया और शिकायत करने पर पिता को पुलिस हिरासत में पीट पीट कर मार दिया गया, और दूसरी तस्वीर है बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर की जिन पर बलात्कार का आरोप है। एक तस्वीर दर्द को दिखाती है तो दूसरी तस्वीर दिखाती है बेशर्मी और अहंकार। गैंगरेप भाजपा के नेताओं ने किया, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होगी क्यों? किसका किसका गैंगरेप हुआ है? मेरी छोटी बहन का, भाई की हत्या का एफआईआर दर्ज कराने के लिए दौड़ते दौड़ते बहन का भी गैंगरेप हो गया, मर्डर हो गया। भाजपा के किन किन नेताओं का है? इसमें गजानंद सिंह, भानु प्रताप सिंह, सत्येन सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष आरबी सिंह रायबरेली, ये सभी शामिल है। इसी कारण भाजपा जिला अध्यक्ष आरबी सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के रिश्तेदार हैं, इसलिए ये एफआईआर नहीं दर्ज हो रही। भदोई से भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य सचिन त्रिपाठी सहित उनके पुत्र दीपक तिवारी, प्रकाश तिवारी, नितेश और भतीजे संदीप त्रिपाठी और चंद्रभूषण तिवारी पर भदोही कोतवाली में दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मोदी के मंत्री निहाल चंद पर महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। आरोप बहुत बड़ा है और पीड़िता ने अब मंत्री जी पर धमकी देने का आरोप भी लगाया है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। पीड़िता का हॉस्टल के बाथरूम में नहाने का वीडियो बनाया गया था और उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर एक साल तक रेप करता रहा। साथ ही पीड़िता ने बताया कि चिन्मयानंद ने शारीरिक शोषण का वीडियो भी बनाया है। चिन्मयानंद पीड़िता से मसाज का भी दबाव बनाता था और कई बार उसने उसके साथ बंदूक के दम पर भी रेप की। लड़की का आरोप है कि बीजेपी नेता संतोष पराशर रिश्ते में उसका चाचा लगता है और उसने 24 फरवरी की रात उसे बहाने से घर से बाहर बुलाया। इसके बाद आरोपी ने लड़की को अपनी गाड़ी में खींच लिया और पिस्तौल दिखाकर उसका रेप किया। महेंद्रगढ़ में भाजपा नेता भाई राम सिंह के खिलाफ पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया है। देश भर में रेप की वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला यूपी के मेरठ जिले से सामने आया है, जहां एक बीजेपी के नेता और उसके ड्राइवर ने युवती को अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहयोगी संस्था अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के एक वरिष्ठ नेता को सोमवार को दिल्ली से बंगाल की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से बार बार बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ग्वालियर में बीजेपी नेता के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा कि लिफ्ट देने के बहाने अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अनूप करोसिया ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। बीजेपी के एक नेता पर से बलात्कार करने का मामला ठंडा भी नहीं होता है कि फौरन दूसरा और नया केस सामने आ जाता है। दुष्कर्म का ताजा मामला तेलंगाना से आया है, जहां 47 साल की एक महिला ने 2019 में तेलंगाना के मेडक सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे रघुनंदन राव पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया है। कोरबा के दीपका क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने बीजेपी नेता द्वारका प्रसाद शर्मा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बीजापुर के भोपालपट्टनम में भाजपा कार्यकर्ता और मेडिकल संचालक प्रकाश मालिक और नाबालिग सनाचार कर उसका वीडियो क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। गुजरात बीजेपी के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले उनके खिलाफ सूरत की एक युवती ने रेप का आरोप लगाया और अब उनकी एक और करतूत का भांडा फूटा है। उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी विधायक पर एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की ने बदायूं के बिसौली विधायक कुशाग्र सागर के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के भदोही के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं कौसम्बी में निकाय चुनाव के प्रभारी रहे कन्हैयालाल मिश्र पर एक महिला ने उसके साथ रेप का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। मेरे सीनियर सतीश कुमार शर्मा जो है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत काम किया, बहुत मारपीट की है। 30 तारीख की रात को रात के 2:30 बजे हमारे पास सीसीटीवी की फुटेज भी है। यूपी में चलती ट्रेन में बलात्कार की ये खबर आपको दहशत से भर सकती है। महिला रोती रही, गिड़गिड़ाती रही और कानून का वो रखवाला जिस्म के साथ ही महिला की रूह को भी नोचता खसोटता रहा।
बदायूं में रेप के बाद ट्रेन के आगे फेंकी गई पीड़ित की बरेली के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। SSP बदायूं का कहना है कि उनके पास तक इस संबंध में अभी तक कोई प्रार्थना पत्र न तो थाने पर आया है न उनके पास आया है। जैसे ही कोई तहरीर आएगी या कोई प्रार्थना पत्र आएगा तो उसकी प्रॉपर जांच करा लेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो सगी मासूम बहनों के साथ हुए रेप के खुलासे को फर्जी बताते हुए ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। यहां रक्षक ही भक्षक बन गया। एक खाकी वर्दी वाले पर आरोप लगा है एक युवती के साथ गैंगरेप का। यशवंत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली धारवाड़ पुलिस चौकी की सिपाही ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। मुंह पर दुपट्टा बांधकर खड़ी है महिला बलात्कार का शिकार हुई है और इसके साथ बलात्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक दारोगा है जिसने रिवाल्वर के दम पर उसके साथ बलात्कार किया है।